खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाज़िर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, निशा निशा नमस्ते। नमस्ते। मैं पूर्णिमा और ये मेरे पति गिरीश। हाँ हाँ, मैं तो जानती हूँ। आप ऐसी क्या मतलब आ पड़ी हैं जो बगैर कपड़े के ही भागे जा रहे हो? देखा, घर ऐसा होता है। तुम्हारे साथ रह रह के तो घर कैसा होता है मैं भूल ही गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। Actually, I need your help. Help? और मुझसे? Tell me, मैं कैसे help कर सकती हूँ तुम्हारी? वो क्या है ना, मुझे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना है। हाँ बोल। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं कल कॉलेज जरूर जाऊंगा और फुटबॉल मैच भी है ना। हाँ, मैं पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस बार जीतना पड़ेगा। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। भैया। हाँ बोल। तुमने मेरे बैग से पैसे चुराए हैं ना? कैसे पैसे? कौन सा पैसा? और मैं तेरे पैसे क्यों लूंगा? मैंने अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे जमा करके रखे थे, वो अभी बैग में नहीं है। तुम्हारे अलावा और कौन ले सकती है वो पैसे? तू पागल हो गई है क्या? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लिया कर। अरे वाह, उल्टा चोर कटवाल को डांटे। भैया मुझे पता है कि पैसे तुमने लिए हैं, पैसे वापस करो। मैंने नहीं लिए तेरे पैसे। पॉकेट मनी के लिए देवता पैसे मुझे भी देते हैं, मैं क्यों चुराऊंगा तेरे पैसे? भैया ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है कि पैसे तुमने ही लिए हैं, जल्दी पैसे वापस करो नहीं तो देवता को जाके बोल दूंगी। जब मैंने पैसे लिए ही नहीं तो कहां से निकालूं? और जा देवता को बोल दे मैं नहीं डरता। क्या कहा तुमने? देवता से डर नहीं लगता? ठीक है, मैं अभी जाके बोल देती हूँ। देवता से डर लगता है लेकिन मैंने पैसे लिए ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? तो सच कह रहा है ना? देवता का कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लिए तेरे पैसे। तो फिर मेरे पैसे गए कहाँ? कहीं चाचा ने तो नहीं लिए? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चाचा ही होंगे। उनको मैंने बहुत बार किचन से भी खाना चुराते हुए देखा था, पैसा भी उन्होंने लिया होगा। मैं अभी जाके देवता को बोलती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना अंजलि, चाचा बड़े हैं हमसे और बिना सबूत के इल्जाम लगाया तो देवता हमें ही डांटेंगे। लेकिन मेरे पैसे तो गए ना, पता नहीं चाचा ये सब क्यों करते हैं, जाने का नाम भी नहीं लेते और देवता भी कुछ नहीं कहते। भाई हैं उनके। मुझे तो कभी कभी ये शक होता है कि चाचा और देवता सगे भाई है ही नहीं, दोनों कितने अलग है ना। हाँ मुझे भी शक होता है। अब चलो घर चलते, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हें तो हमेशा भूख ही लगता रहता है। खेलता हूँ ना और फिजिकल एक्सरसाइज होता रहता है तो भूख तो लगेगा ही। तेरी जैसा थोड़े ना हूँ, परा रहता हूँ। क्या भैया तुम ही? चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना।
मोई दूरा सारो के बोले तुमारो अपराधी बिनाहन क्षमियो कोहरी लयु दाह करी पहिलु हेरा हरण पहिलु हेरा हरण राम पहिलु हेरा हरण तुम्हारी प्रार्थना सुन के हमारी नींद खुल गई। सॉरी मामा जी, मैंने आपको जगा दिया। सॉरी बोलने वाले कोई काम ही नहीं किया है तुमने। हमें तो इनफैक्ट अच्छा लगा कि तुमने हमें ऐसे नींद से उठाया। इसी बहाने ये जल्दी उठोगे। प्रार्थना की अहमियत तुम नहीं समझोगे माया। इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। बचपन से मैं मेरे दादाजी के प्रार्थना सुन के जगा करता था। जब से शहर आ गया इन सब से दूर होते गए। लेकिन निशा ने आज मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। मास्टर जी ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार देके बड़ा किया है बेटा। इसे हमेशा कायम रखना। निशा, तुमने आज अपने मामा को इमोशनल कर दिया। अच्छा मामा जी, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है? तुम मेरी आदत बिगाड़ दोगे। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं आप, जाइए पहले फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग माँ देवता। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे आज इतनी जल्दी निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? अरे देवता आप भूल गए, आज 17 तारीख है, बैंक के साथ मेरा मीटिंग है। लोन के सिलसिले में बात करने के लिए मैनेजर के पास जाना है, उसके बाद सीए के पास जाना है, आईटी रिटर्न सबमिट करना है ना। आजकल तुम्हारे देवता ऑफिस में कम बाहर ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। अरे माँ आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, बहुत काम है, लेट हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, 2 मिनट में कौन सी आफत आ जाएगी। तैयार है, खा के जाओ। नहीं माँ प्लीज फोर्स मत करो। अच्छा देवता मैं आपको ऑफिस में मिलता हूँ। मैं थोड़ा ऑफिस देर से आऊंगा। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करते, थोड़ा खा के ही जाओ। हाँ सुबह सुबह बिना खाए जाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है जूस पी लेता हूँ। आ रहा हूँ। देखा हड़बड़ी में राजीव अपना फाइल लेना भूल गया। जाओ अब जाके दे के आओ। मैं ऑफिस जाते समय फाइल लेते जाऊंगा, और तुम्हारे ब्रेकफास्ट के चक्कर में वो फाइल यहीं छोड़ गया। अब ये भी मेरी ही गलती है क्या? आपको अगर तकलीफ है तो मैं जाके दे के आऊं। क्या हुआ माँ, भैया फाइल भूल गए क्या? देखो ना तुम्हारे देवता कहते हैं ये भी मेरी ही गलती है। नो प्रॉब्लम आंटी, हम और रिया ऑफिस के ओर ही जा रहे हैं।
ये सब करने की क्या जरूरत है सिमरन? और तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग ऑफिस की ओर जा रहे हैं? मुझे खामखा तेरे साथ फंसना पड़ा। अरे यार, तेरे भैया ये फाइल घर पे भूल आए हैं। कितने इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे इसमें, परेशान हो गया होगा बेचारा। देवता है ना, और माँ ने कहा भी था वही ले आते, वो भी तो ऑफिस ही आएंगे। आज भी तेरे लिए मेरा क्लास मिस हो गया। अरे एक दिन क्लास मिस हो गया तो कुछ नहीं होगा। क्या, एक दिन? आज लगातार दो दिन हुआ है। मेरी वजह से ना? ठीक है, तू कहे तो मैं चली जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है सिमरन, इतने दिनों बाद तुझे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बिना कारण ये फाइल लेकर ऑफिस जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देवता के होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, छोड़, तू नहीं समझेगी। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बहुत बेवकूफ है यार तू। मैं तेरे भैया को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ। मेरे सामने ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे कितना समझाया कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, प्यार हो गया मुझे तेरे भाई से। You're just wasting your time, Simran. अरे मुझे ट्राई तो करने दे, क्या पता मेरी केयर देखकर तेरा भैया मुझसे पट जाए। तू ना अपने ख्यालों के दुनिया में मजे ले। सुन रिया, आज तक मैंने जो भी चाहा है वो सब हासिल किया है, और तेरे भैया को भी मैं हासिल करके ही रहूँगी। उसका इतना केयर लूँगी, इतना केयर लूँगी कि उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। तुझे हंसी आ रही है? मजाक उड़ा रही है ना तू मेरा? चल तू अपने भैया को फोन लगा और बोल कि वो ऑफिस में ही रहे, हम आ रहे। हाँ भैया सुनो तो, हम ना तुम्हारे ऑफिस पहुंचने वाले हैं। आजकल तुम बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, अपना फाइल भूल गए। क्या, कब? ओके। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों हंस रही है? तेरा प्लानिंग चौपट हो गया है सिमरन। क्यों, क्या हो गया? भैया ऑफिस में नहीं है। हाँ, कहाँ गए? किसी काम से 10 मिनट पहले सोनापुर के लिए निकल गए हैं, और अभी वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सोनापुर कितना दूर है? पागल है क्या, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है। अब इस फाइल का क्या करूं? ऑफिस बॉय के हाथ में देने के लिए बोला है। वैसे सिमरन, ऑफिस बॉय भी देखने में अच्छा ही है। ओ शाटा प्रिया। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम? अरे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ। क्या, तुम पहुंच भी गए? अरे अभी तो 3 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। सोचा कि आज जल्दी पहुंचकर तुम्हें सरप्राइज दूँ। जल्दी तैयार होकर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी। ओके ओके ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। क्या लोगी? आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, वेज खाना है। वेज में कुछ भी मंगा लो। तो वेज में पनीर मंगा लूं?
अरे सुनो, तुम नॉनवेज खा सकते हो, आई डोंट माइंड। अरे हफ्ते में एक बार वेज खाना अच्छा लगता है, ऐसा लोग समझते, लेकिन मुझे हर रोज नॉनवेज खाने का मन करता था। मन करता था मतलब आदमी को अपनी आदत बदलनी चाहिए फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर? हम्म, मैं कुछ समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी। अब मेरा मतलब है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओके, तुम भी ना। कभी तो मेरे मन की बात समझा करो। निशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो ना। देखो, पता नहीं ये बात कैसे की जाती है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी बात कभी किसी को नहीं कही। निशा, ये जो हम दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद हम एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं। देखो, मैं एक्चुअली तुमसे एक्सक्यूज मी। हाँ ऋषि बोल। हाँ बाहर था, बोल। हाँ वैसे, हाँ याद है, ठीक है। कहाँ पर? ओके ओके, हाँ ले आऊँगा उसे भी। ओके बाय बाय। ऋषि मेरा MBBS बैचमेट है, मुझे डेंटिस्ट बनना था, ऋषि को सर्जन। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, कल उसका बर्थडे है, पर उसने एक पार्टी अरेंज की है, तो तुम्हें ही बुलाया है। मुझे? हाँ नहीं, मतलब तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हम मिलते हैं वगैरह वगैरह। इसका मतलब है तुम्हारे सारे दोस्त मुझे जानते हैं? लगभग, जो मेरे करीब है उन्हें पता है। एनीवेज, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं क्या बोल रहा था, कब बोल रहा था? अभी थोड़ी देर पहले, फोन आने से पहले। ओ अच्छा, मैं तुमसे सर, थैंक यू। थैंक यू। पहले खा लो। बस बस, थैंक यू। खाना खा लो पहले। नहीं, पहले तुम बोलो। इतना भी अर्जेंट नहीं है, बाद में बताता हूँ ना, कल बताता हूँ ऋषि के बर्थडे पे। टेस्टी है, इतना मत सोचो, खा लो। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में हर माँ बाप को प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे सब मान जाते हैं। देखना, लड़की के माँ बाप हर काम तुझसे पूछ के करेंगे, बेटा ये करे कि नहीं, बेटा वो करे कि नहीं, बेटा यहाँ जाए कि नहीं, बेटा वहाँ जाए कि नहीं, समझा? मुझसे लड़की की माँ बाप का क्या प्रॉब्लम है, इतना अच्छा नौकरी करता हूँ, मेरे माँ देवताओं को भी लड़की पसंद है, फिर पता नहीं उन लोगों का क्या इशू है। इशू विशू कुछ नहीं होता यार, इंडिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी उनकी पसंद से हो, फिर उनकी पसंद चाहे कैसे भी क्यों ना हो।
बच्चे माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। मेरे माँ ज्योति को देख लो, आज तक उन्हें मेरी किसी भी चॉइस से प्रॉब्लम नहीं हुई। सारे पेरेंट्स तेरे माँ देवता की तरह नहीं होते। You are lucky enough. शायद। अब तू जा, टेंशन मत लेना, और लड़की को रजिस्टर ऑफिस पे वक्त पे लेके पहुंच जाना। मैं वकील को लेकर वहीं पे मिलूंगा, ठीक है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया महेश दादा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अभी मैं निकलता हूँ, लड़की को भी तो फोन करके सारा प्लान बताना पड़ेगा। राजीव दा, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, और मेरी तरफ से तुम्हें शादी के एडवांस में शुभकामनाएं। शुक्रिया दादा, चलता हूँ। तू पागल है क्या? लेकिन लड़की हीरोइन की माफिक दिखती है ना? तू ना बकवास बंद कर और जल्दी दुकान बंद कर, मुझे जाना है। जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, इज्जत है, वो इजहार करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, आज मुझे नई नौकरी मिली तो सोचा सबके लिए मिठाई ले आऊं। गिरीश, तू शराब पी के आया है? शराब इंसान को नशा दे सकता है, शब्द नहीं। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजे, जिसमें है थोड़ी खुशियां उसमें है थोड़ी।